हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्वीट लिटल गार्डन। आज का जो वीडियो है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कई जो है चौंका देने वाले जो रिज़ल्ट है मेरे गार्डन में, वो आज आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। क्या क्या सरप्राइजेस आपके लिए है, बहुत ही बड़े सरप्राइजेस आपके लिए आज मैं लाई हूँ, तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब से जो मेरे गार्डन में हुए हैं चेंजेस, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिखने वाला ये देख लीजिएगा, कुरकुमा। कुरकुमा का बहुत ही खूबसूरत प्लांट 3 साल के बाद जो है मेरे गार्डन में अब खिलने वाले हैं। ये देखिए, इन्हें भी जो है मैंने रिपोर्ट कर दिया था। और उसी के साथ दोस्तों, ये देख लीजिएगा, बेहतरीन रिज़ल्ट इस बार मुझे मिला है। ये है कैम्फेरिया, मतलब भूमि चंपा, जिसका रिज़ल्ट जो है मुझे बहुत ही अच्छा मिला है इस बार। ये देख लीजिएगा, ये भूमि चंपा के जो लीव्स है दोस्तों, बिल्कुल ही कैलाथिया की तरह ही दिखते हैं, बेहद खूबसूरत दिखने वाले ये प्लांट इस साल मेरे यहाँ पे बहुत ही अच्छी से ग्रोथ कर रहे हैं। इसके ऊपर भी जो है मैंने कई सारे वीडियो बना दिए हैं, जिन्हें जो है आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। तो ये देख लीजिएगा रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। तो ये देख लीजिएगा, ये है 6 इंच का पॉट, और उसके ऊपर ये जो प्लांट है दोस्तों, इस प्लांट की हाइट जो है नियरली अब 7 इंच टू 8 इंच तक हो गई है। मतलब ये जो रिज़ल्ट है मुझे बरसात में जुलाई में मिलता था, लेकिन इस बार जो है अभी मई ख़त्म ही नहीं हुआ है, फिर भी मुझे ये रिज़ल्ट इस बार मिला है। इसके बारे में और भी मैं जानकारी आपके साथ शेयर करते रहूँगी। उसी के साथ ये देखिएगा क्लिमेटिस वाइन, क्लिमेटिस वाइन में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, जो वीडियो आपको बहुत पसंद आया था। और देख लीजिएगा दोस्तों, अब इनमें जो है ढेर सारी कलियां बनी हुई है। मेरे अडेनियम में भी जो है दोस्तों, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये देख लीजिएगा, बड़ा ही प्यारा सा फूल जो है कल खिला था। अब जो मेरे ग्राफ्टेड है और नॉन ग्राफ्टेड है, उनमें भी अच्छी तरीके से ग्रोथ अब शुरू हो गई है। ये देख लीजिएगा जिम्नोकैल्शियम, जिस पर भी जो है मैंने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कई सारे लिंक दे दूंगी, आप डेफिनेटली देख लीजिएगा। और उसी के साथ ये है सिल्वर स्क्विल, उसमें भी फ्लावरिंग अच्छी सी शुरू हुई है। और ये देख लीजिएगा, ये है एक हवर्तिया, जिसमें भी जो है हर हमेशा से ही फ्लावरिंग होती रहती है। और ऑर्किड में भी अभी अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। ये देख लीजिएगा, ऑर्किड का जो छोटा बेबी पप्स था, वो बहुत ही अच्छा अब ग्रोथ करने लगा है। कैलाडियम में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ पकड़ ली है। कई सारे जो मेरे कैलाडियम्स थे, ये देख लीजिएगा, उनमें ग्रोथ अच्छी शुरू हो गई है। और ये है एक डबल डे लिली का प्लांट, डबल पेटल वाला डे लिली है, देखते हैं किस तरीके से फ्लावर आता है। और ये देख लीजिएगा, अभी जो है कई में स्प्राउटिंग हुई है, और कई के जो है लीव्स जो है अच्छी तरीके से स्प्राउट हुए हैं, और कई अभी जो है बाकी है। ये देख लीजिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये जो प्लांट था दोस्तों, मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया था, और उसी में ही जरबेरा के सीड डाल दिए थे, तो वो भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये देख लीजिएगा, जरबेरा के सीड यहाँ पर भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। कैलाडियम की कई सारी जो वैरायटी है, ये देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी से अब ग्रो हो रही है। हर साल ये इतने अच्छे से ग्रो जल्दी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास बारिशें जो है दोस्तों, बहुत ही लेट शुरू हो जाते हैं, इसीलिए ये जो है स्प्राउटिंग करने में बहुत टाइम लगाते हैं। लेकिन इस बार जो है समर में कई बार बारिश हो गई है, इसीलिए इनमें जो है अच्छी ग्रोथ आ गई है। उसी के साथ दोस्तों, ये देख लीजिएगा कैलाथिया, कैलाथिया में भी बारिश की वजह से ही अच्छी ग्रोथ हो गई है। विंटर में ये डॉर्मेंसी में चले गए थे, और समर में भी इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों इस बार मुझे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिला है। उसी के साथ सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये देख लीजिएगा दोस्तों,
ये देख लीजिएगा, ये है फाइलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी जो बहुत ही अच्छी है, जिसके बहुत ही बड़े बड़े पत्ते होते हैं, और उसमें सरप्राइजिंगली मुझे ये जो है फ्लावरिंग बर्ड अब दिखी है। उसकी साइड की जो आपको दिख रही है वो लीव्स की बर्ड है, फॉलिएज बर्ड है, मतलब उससे बाहर जो है अब लीव्स आएगा। लेकिन दोस्तों ये देख लीजिएगा, ये जो दिख रहा है आपको ये डेफिनेटली फ्लावरिंग बर्ड है। जब ये ओपन हो जाएगी मैं डेफिनेटली आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो जो है बनाकर दिखा दूँगी। अब इस और आते हैं दोस्तों, ये देख लीजिएगा, कैलेडियम का बेहतरीन रिज़ल्ट मुझे मिला है। बहुत सारे कैलेडियम जो है स्प्राउट हुए हैं और कई सारे अभी होने बाकी है। उधर तो मेरे सभी बड़े प्लांटर है, लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों बहुत ही जो है छोटे छोटे मेरे प्लांटर्स थे वो है। ये देख लीजिएगा, ये जो बहुत ही ग्रीन सा दिख रहा है ये ग्रीन नहीं है, बाद में ये पिंक में टर्न हो जाता है। और ये जो कलर है रेडिश डार्क रेडिश पिंक है, और ये जो है बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी पिंक कलर है। उसी के साथ कैला लिली में भी जो है अच्छी ग्रोथ हो रही है। मेरे कोचिया के जितने भी प्लांट थे दोस्तों अब वो भी अच्छी तरीके से जो है बड़े हो रहे हैं। और इसके बाद जो है दोस्तों बस कुछ ही दिनों में जो टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तब जो है दोस्तों मैं इनको बड़े से बड़े प्लांटर में जो है शिफ्ट कर दूँगी, मतलब 10 to 12 इंच के, ताकि ये अच्छे से ग्रोथ हो सके। मेरे पास इसके कई सारे जो है प्लांट इस साल बने हुए हैं, और ये देख लीजिएगा अभी भी जो है कई सारे में जो इसकी सीडलिंग है वो बन ही रही है। तो क्या नज़ारा होगा दोस्तों, नियरली ये तो अभी 22 जो है कोचिया है, जब ये बड़े होंगे और मेरे गार्डन में जो है मेरे गार्डन की शोभा बढ़ा देंगे। तो इस ओर चलते हैं दोस्तों, ये देख लीजिएगा क्या नज़ारा है। मेरे गार्डन में जितने भी रजनीगंधा के प्लांट थे उन सभी को जो है मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, और ये तो बिल्कुल रजनीगंधा का जंगल सा बना हुआ है। नेक्स्ट ईयर जो है आपको, मतलब इसी जून में आपको कई सारे जो है मेरे पास फ्लावर आपको दिखने को मिलेंगे, सिंगल पेटल, डबल पेटल, मल्टी पेटल जो भी इनमें आ जाएंगे वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। इसका डिटेल वीडियो भी जो है दोस्तों आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो है दोस्तों इनमें इतनी अच्छी ग्रोथ क्यों है, तो हर जो मेरे गार्डन में टॉप सीक्रेट होता है वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और उसी के साथ दोस्तों ये देख लीजिएगा, आज का सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है ग्लोरियोसा लिली, जिसमें भी जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसके बल्ब को जो है मैंने ग्रो करके कोकोपीट में आपको दिखाया था, और उसी के साथ ये देख लीजिएगा इसमें बर्ड भी बनी है। और ये प्लांट जो है दोस्तों ग्लोरियोसा लिली का, इसमें भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ पकड़ ली है, शायद ही जो है इसके ऊपर के टिप में भी बर्ड बन रही है। और देखिए ये है नेपालेंसिस लिली, बारिश के बाद इसमें भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ शुरू हो गई थी। और ये है अडेनियम, अडेनियम भी अब रिपोर्ट मुझे कर रहे हैं अच्छी इनमें ग्रोथ हो रही है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।